फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे IMO। IMO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, क्लास 2, चैप्टर नंबर 1। पहले हम इसका इंडेक्स पेज देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस, चैप्टर नंबर 2 कॉम्पिटिशन ऑपरेशन, चैप्टर 3 लेंथ वेट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, चैप्टर 4 टाइम एंड मनी, चैप्टर 5 लाइन शेप्स एंड सॉलिड्स, चैप्टर 6 पैटर्न्स, चैप्टर 7 पिक्टोग्राफ, चैप्टर 8 लॉजिकल रीजनिंग। ये हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वन बाय वन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सेंस। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे न्यूमरल्स एंड नंबर्स नेम अप टू 3 डिजिट, अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर विद विदाउट रेपिटेशंस फ्रॉम गिवन डिजिट इन्फॉर्मेशंस, कंपेयरिंग नंबर्स, अबेकस एंड प्लेस वैल्यू, इवन एंड ऑड नंबर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट 9 इन 975 इज। आपको ये नंबर दिया है 975, आपको इसकी प्लेस वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिए प्लेस वैल्यू हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। ओ स्टैंड फॉर वंस, टी स्टैंड फॉर टेंस एंड एच स्टैंड फॉर हंड्रेड, राइट। हमारे पास क्या नंबर है? 97975, राइट। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? वन स्टैंड हंड्रेड, तो इट मीन्स 975। इट मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, राइट। और 100 में कितने जीरो लगते हैं? 2। टेंस में कितना जीरो लगता है? 1। और वंस में नो जीरो। टेंस में 10 और 100 में 20, और इसकी वैल्यू क्या थी? 9। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम शो वन ऑफ द नंबर ऑन द सेल फोन। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस में नंबर्स नेम दिए गए हैं और यहाँ एक सेल फोन दिया है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम शो वन ऑफ द नंबर ऑन द सेल फोन। इनमें से कोई एक नंबर नेम इस सेल फोन में न्यूमर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑप्शन 1, 334 कैसे लिखे हम? 334, राइट। 448, 512, 609, राइट, 609। अब हम देखते हैं 334, 348, 312, 422, 534, 609। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी 609। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑन द ट्री विच इज मोर देन 400 बट लेस देन 500। ये आपको एक ट्री दिया गया है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। आपको बताना है इसमें से कि कितने नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी मतलब कितने नंबर्स हैं जो मोर देन 400 है, मोर देन 400 है एंड लेस देन 500 है, राइट। तो आपको 400 टू 500 के बीच में नंबर्स लिखने हैं, ओके। अभी देखो 400 क्या है नंबर? 475, 438 and 499, 450, 600 is more than 500, 475 is, 300 is less than 400, 550 is more than 500, तो ये numbers हम नहीं लेंगे। 450 हम काउंट करेंगे, 336 इज लेस देन 400 तो ये भी काउंट नहीं करेंगे, 500 हमें क्या चाहिए? लेस देन 500, राइट, तो हम ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो कितने नंबर हुए हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबेकस शो 634, राइट। ये आपको कुछ अबेकस के पिक्चर्स दिए ए बी सी डी, आपको बताना है किस अबेकस में शो हो रहा है कि 634 है, राइट। अभी ये क्या है, वन स्टैंड्स हंड्रेड, वन स्टैंड्स हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे क्या है, सिक्स। अब आप काउंट करो सिक्स किस में, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें क्या आएगी फाइव, वन टू थ्री, वन टू, ये कितना है 532, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमें क्या चाहिए 634, ये कितना है 436, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग। ऑप्शन सी वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, ये 235 है, तो ऑप्शन सी भी आंसर रॉन्ग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, 634, हमें भी क्या चाहिए था 634, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर, राइट। आपको बताना है ये फोर ऑप्शंस हैं, इसमें से थ्री डिजिट का एक नंबर बताना है जो क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जीरो टू फोर सिक्स एट, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप। ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप नंबर, हमें सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप नंबर बताना है, तो हमें इस नंबर्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है बिग टू स्मॉल, राइट। तो सबसे बिग नंबर क्या है हमारे पास, 825। नेक्स्ट बिग नंबर क्या है हमारे पास, 795। थर्ड बिग नंबर है हमारे पास 600। फोर्थ है 595। फिर लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 123। अब उन्होंने पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट, तो इस ग्रुप में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 795, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर। अभी आपको नंबर नेम दिए हैं, इनमें से कौन सा नंबर है जो इस कलेक्शन में नहीं है, देखिए क्या है, 431, तो 431, 534, 534, 436, 436, अभी देखिए 431 है, 436 भी है, 432 भी है, 534 इस कलेक्शन ऑफ नंबर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बोला है 70 टेंस इज ब्लैंक 700 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड कांट से। देखिए अब उन्होंने बोला है 70 टेंस, राइट। 70 टेंस मींस, टेंस में कितने जीरो होते हैं, मैंने आपको बताया था टेंस में कितना जीरो लगता है, वन, तो 70 टेंस मींस 70 और 10 टेंस, राइट। और किसके इक्वल है, 700, 700 कैसे लिखते हैं, 100 में कितने जीरो आते हैं, 20, तो 700, तो ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल, 70 टेंस इज इक्वल टू 700, राइट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हेन रिटन इन वर्ड्स 809 इज सेम एज। अब 809 को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये क्या लिखा है, 80 and 9, सर रॉन्ग। सेकेंड है 890, बट यहाँ पे क्या है 809, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 809 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 80 and 9 रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, आपको स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताना है, राइट। अभी देखिए ये 00 से है तो ये तो हो गई नहीं, इसको पहले ही कैंसिल कर दो आप। लास्ट में आप वंस वंस प्लेस पे देखो, ठीक है, 100 प्लेस पे देखते हैं, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 9, और यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये दोनों 1 है, 9 बड़ा होता है 1 से, तो इस नंबर को भी हम काट देते हैं। अब यहाँ देखो 1 1 1, 100 प्लेस पे दोनों सेम है, 1 1, फिर हम इसका टेंथ प्लेस देखेंगे, यहाँ टेंथ प्लेस पे 0 है और यहाँ टेंथ प्लेस पे क्या है 9, तो 0 छोटा होता है इसलिए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच रैबिट हैज द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर। अब ये रैबिट के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको बताने किस रैबिट के ऊपर सबसे लीस्ट नंबर लिखा है, राइट। अब ये देखिए वंस प्लेस ही देख लेते हैं पहले, 100 प्लेस, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो 4 सबसे छोटा है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, राइट। 431, 978, 998, 989, तो 431 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस, इसमें से चारों ऑप्शंस में से सब 50 टेंस से छोटा नंबर कौन सा है। जैसे मैंने अभी बताया था ना फर्स्ट 70 टेंस वाला, 50 टेंस इक्वल टू 500, राइट, तो 500 से छोटा नंबर क्या है 400, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन एप्पल बिलोंग्स टू विच बास्केट, यहाँ पे एप्पल क्या है 954, तो अब ये कौन से बास्केट में जाएगा, यहाँ न्यूमरल फॉर्म में लिखा है और नीचे वर्ड्स में लिखा है 954, राइट, 954, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, अब हमें यहाँ पे बताना है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बिग थ्री डिजिट नंबर। अब देखिए 100 तो स्मॉलेस्ट डिजिट था तो बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, राइट। हम फिर से 100 प्लेस देखेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है, 100 प्लेस में इधर भी 9 है, 100 प्लेस सेम है, उसके बाद हम क्या देखेंगे टेंथ प्लेस, यहाँ पे 9 है टेंथ प्लेस पे, यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 0 है और यहाँ पे टेंथ प्लेस पे क्या है 9, तो 0 छोटा होता है तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वंस प्लेस पे, यहाँ 9 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 छोटा होता है तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 999 इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 515 वंस इज सेम एज, अब 515 कैसे लिखते हैं, 5 देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, वंस टेंस हंड्रेड 515, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, राइट, हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये हमें वर्ड्स में दिया है, नंबर्स नेम में, और ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। ऑप्शन ए है 902, 902 एंड 902 सही लिखा है तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बट हमें क्या सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट जो गलत है। 506 ये भी करेक्ट है। 259 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है 269, यहाँ पे क्या दिया है 96 और यहाँ पे क्या लिखा है 69, तो ये क्या है रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच बियर शो द लार्जेस्ट वैल्यू, अब ये बियर पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, आपको बताना है कि कौन से बियर पे लार्जेस्ट वैल्यू लिखी है। ये है 18 टेंस, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था हम 18 टेंस को कैसे लिखेंगे, 18 और टेंस में कितने जीरो होते हैं 1, तो 180। नेक्स्ट है 15 टेंस, 1 15 0। नेक्स्ट है 500 में कितने जीरो होते हैं 2 0, तो 500।
नेक्स्ट है 41s, वंस में जीरो नहीं ऐड करते तो 40। अभी देखिए 180, 150, 500 एंड 40। तो 500 इज द लार्जेस्ट नंबर, सो दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑन द गिवन सेट ऑफ डॉल। इंक्रीजिंग नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, स्मॉल टू बिग। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे बिग नंबर, राइट। अब देखिए ये कुछ डॉल्स हैं, इनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, राइट। अभी देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है, 508। 508 की डॉल कौन सी है, क्यू। आफ्टर 508 क्या है, 516, और उसकी डॉल क्या है, एस। आफ्टर 516, 531, पी एंड लास्ट आर, 599। अब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बना है, क्यू एस पी आर, देखते हैं ये ऑप्शन में कहा है। अरे फर्स्ट ऑप्शन में ही क्यू एस पी आर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन 952 द डिजिट 5 इज एट प्लेस। आपका नंबर है 952, राइट, 952, आपको 5 डिजिट का, 5 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू। अब देखिए वंस, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 5 की प्लेस वैल्यू टेंस, और 9 की प्लेस वैल्यू 100, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ ये चार डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर्स लिखे हैं, आपको बताना है कौन से सेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखे हुए हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल। ऑप्शन ए देखते हैं हम, ऑप्शन ए में लिखा है 571, 579। देखिए 55 तो सब में कॉमन है, सेकंड नंबर देखिए टेंथ प्लेस पे 7797, तो बिग नंबर तो 597 है, तो 597 पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल नंबर पहले है, तो ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग। ऑप्शन सी देखते हैं, 100 प्लेस देखो सबकी सेम है, टेंथ प्लेस 7977, अब ये 597 है, ये भी पहले आना चाहिए था, राइट, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन बी देखते हैं, 100 प्लेस देखो सबका सेम है 555, टेंथ प्लेस देखो 9787, तो टेंथ प्लेस भी यहाँ पे बिग है, वंस प्लेस 798 और 1, ठीक है। अब देखिए 597, 579, 578, 578, लास्ट में क्या है, स्मॉल नंबर, और स्टार्टिंग किससे है, बिग नंबर से, तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, राइट।